नमस्कार दोस्तों, टाटा स्टील के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.14% की क्लियर आपको गिरावट नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ आप देख सकते हो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डोजी कैंडल बना है। पिछले दो दिन से स्टॉक में डोजी बन रहा है और पिछले कई दिनों से देख रहे हैं स्टॉक यहाँ पर एक रेंज बनाकर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहे हैं। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में तेजी आएगा, गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे आएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा। सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो टाटा स्टील शेयर स्टॉक अब एग्जैक्टली क्या हायर है कि कंडीशन बनाए कि स्टॉक ऊपर बढ़ रहे हैं और अपने प्रीवियस की जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक ने हाई लगा 185 और इसके बाद देखेंगे तो स्टॉक अब एग्जैक्टली इस तरीके से एक अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू करता हुआ देखने को मिल रहा था, जिसका ब्रेकडाउन होकर स्टॉक नीचे आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो अभी कंडीशन के हिसाब से देखेंगे स्टॉक अप एग्जैक्टली यहाँ पर इस तरीके से कि डाउन ट्रेंड में भी कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। स्टॉक बार बार हमारा जो ट्रेल लाइन है उसी को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए जो आपके सामने सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, एक तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 146.8 या फिर 147 का, तो स्टॉक इसी को सपोर्ट लेके इस तरीके से रेंज बना रहा है। तो जैसे स्टॉक अपना ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में तेजी का मूवमेंट देखने को मिलेगा और आपके सामने जो टारगेट देखने को मिल जाएगा वो रहेगा 169 और उसके बाद 184, तो और 184 के नीचे भी और एक रहेगा जैसे कि 178 का, आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। तो इस वीडियो को एक लाइक करें, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाया गया। धन्यवाद।